इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी के परिसर में हैं। एक बार फिर से एक बेटी की जान गई है, रीमा देवी, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष है। 7 साल हुए थे उसकी शादी हुए हुए, एक से डेढ़ साल की उसका बच्चा है, पर परिवार का आरोप है कि उसे मारा गया है। लगातार रीमा को प्रताड़ित किया जाता था। अब क्या हुआ, इन्हीं के परिवार वालों से जानने का प्रयास करेंगे, पर सबसे पहले माता पिता से, परिजनों से ये निवेदन करते हैं, अगर आपकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है तो एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप ये चाहते हैं उसका घर बस जाए कहीं ना कहीं समाज के बातों के डर से, तो ये ना हो एक बार, दो बार, तीसरे बार ये वाला मौका देखना पड़े। कई बार ऐसा होता है, हमें समझना होगा अपनी बेटियों की परेशानी को, अपनी बेटियों के दर्द को। तो चलिए, समय परिवार हमारे साथ है, बजालता के रहने वाले हैं। क्या हुआ, ये रीमा का भाई है और ये पिताजी और इनके यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। कन्ना जी, जी कन्ना, जब बजालता ही पड़ता है, शादी हुई थी आपकी, क्या बात हुई बताओ मेरे को, आप क्या करते हैं आपके जीजा? मैं वो ऑटो चलाते हैं, अपना ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है वो। तो स्टार्टिंग से उनका मतलब यही हाल रहा कि कभी मतलब शादी हुई सिर्फ तो पैसे मांगो, कभी छोटी सी लड़ाई करनी उसको यहाँ भेज रहा, घर से जाती उसको पूछते नहीं थे किसी बारे में। वो जो जानता मैं, आपका माइक, आपका घर है? नहीं, हमारा घर दून है। दून है तो उनका कन्ना शड़गाल, कन्ना शड़गाल, ये कहाँ पड़ा क्षेत्र? बजालता के आगे, बजालता के आगे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। मैम कभी वो पैसे मांगने के लिए भेज रहा उसको, कभी बोलते जा अपने घर जा पैसे लेके आ, तो उसने मांगे भी हमसे, तो थोड़े थोड़े जो मांगती थी हम देते भी थे। जब उसने एक बार बोला कि 2 लाख लेके आ वहाँ से, तो किस चीज के लिए? मैम ऐसे ही, अच्छा, तो लेके आ वहाँ से, तो जरूरत है, लेके आ। उसने मांगे हमसे, हमने मना कर दिया कि छोटी बहन दीदी की शादी थी, तो पापा ने बोला भी नहीं है इस टाइम, तो हमने ना मना कर दिया उसको, तो वो चले गई वापस। उसके बाद भी चलता रहा ऐसे ही, मतलब पति के साथ आती या अकेली आती थी वो? हमेशा मैम अकेली आती, वो छोड़ने में जाता उसको। आप छोड़ने जाती थी? आना उसने हमेशा के लिए गाड़ी चढ़ के आना है, मतलब जैसे भी आएगी वो अपने हिसाब से आती थी, वो उसको कभी छोड़ने नहीं आते थे, कभी लेने नहीं आते थे, तो अकेले आती थी। तो ऐसा चलता रहा, मतलब हमने भी सोचा चल अपने घर बसाए रखे तो कोई क्या जा रहा है, हम छोड़ के आ जाएंगे उसको, कोई नहीं। तो चलता रहा ऐसे, तो कभी उन्होंने मतलब 5-6 हज़ार की जब जरूरत होती देते भी थे पापा, 20-20 हज़ार भी दिया। जो स्टार्टिंग में उन्होंने ऑटो लिया उसके लिए पापा ने पैसे दिए खुद से कि चलो ले लो आप। तो उसके बाद अब जो कल की बात हुई है, तो उसने दीदी ने फ़ोन किया छोटी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को फ़ोन किया कि मम्मी पापा को बता दे कि ये मुझे मार रहे हैं, सब मेरे साथ लड़ रहे हैं, तो बड़ा हो गया मैं बड़ी दुखी हूँ यहाँ पे कि मैं कुछ करने लगी अपने आप को। तो दीदी ने हमको फ़ोन किया, हमने कॉल बैक की उसको, पर स्विच ऑफ आया फ़ोन उसका। तो उसके बाद हमने किया, फिर से कॉल की 1-2 बार, तो लग गई कॉल, उसने सिर्फ इतना बोला कि सांसें फूल रही थी उसकी, बात नहीं उसे, हमने हम तभी उसी टाइम घर से निकल गए, पर उन्होंने ये हमको बताना जरूरी नहीं, आपको इंटीमेशन नहीं किया, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने नहीं की। पहले कभी रीमा बताती थी कि मेरे साथ मारपीट होती है, मुझे तंग किया जाता है? मारपीट नहीं करते थे, टॉर्चर करते थे, छोटे से बात करिए। स्टार्टिंग में शादी दहेज के लिए उसको बोला पापा ने, वो भी दे दिया उसको लेके कि चल वहीं पे रहेगी। तो ऐसे करते करते उसने जब कल उसकी कॉल आई, फिर हम घर से निकले, पर उन्होंने हमको एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी बेटी है, चलो जो भी हो गया कि आओ आप भी चलते हैं हॉस्पिटल लेके उसको, जैसे भी। उन्होंने हमने कॉल किया, बड़े जीजू ने उसको कॉल किया, कहाँ पे, उन्होंने झूठ मार दी कि नरवाला, गर्मी थे उस टाइम, तो हमसे चोरी से उन्होंने लड़की को ऊपर से, मतलब रास्ता कच्चा है उनके घर से, वहाँ से घसीटते हुए नीचे लाया उसको, तो फिर गाड़ी में बिठा के तो उसमें हॉस्पिटल लिए बतरा वाले में। उन्होंने हमको पूछते रहे उनको कॉल कि कहाँ पे, उन्होंने हमको नहीं बताया, ये बतरा तक पहुँच गया। कभी जीजे से बात हुई आपकी कि क्यों ऐसा करते हो, या कोई आपस में? बहुत बार हुई, वो उसका गलती लगाते थे कि ये ऐसी है वैसी है, हमने मेरे भी उनके सामने मैम एक्स्ट्रा फिर भी चलते थे उनके जी। उसके बारे में वो बहुत दुखी थी कि बताती थी, मैंने उसको यही बात बोलता कि तू वहाँ पे रह, तेरे खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ कपड़े मिल रहे हैं, तो वहीं पे रह, कोई बात नहीं। तो हाँ, वो मतलब उनके घर में ही अपने क्या, किस तरह, क्या इंसाफ चाहते हो ये बताओ? मैम बर्ताव तो उनका हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं था। क्या लग रहा है आपको कि रीमा की जान कैसे गई? मैं वो टॉर्चर करते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते, मतलब पूरी फैमिली, एक नहीं, हस्बैंड नहीं, पूरी उनकी सास भी करती थी, जो आगे उसकी उनके भाइयाँ आगे सब सारे ही करते थे मैम टॉर्चर। तो कल हम उसके आए, उसके उनके घर गए, उन्होंने हमको ये नहीं बताया, तो ऊपर से वो सारे घर से गायब हो गए। 2 औरतें थी घर में, वो चलाने शुरू हो गए कि हमको मारने आए ये रात के टाइम पे। हम तो वहीं पे अपनी दीदी को ढूंढने गए थे, हम वहाँ से वापस आए, हम फोन करते रहे उनको, उन्होंने नहीं उठाया। कितने बहन भाई हुआ? मैम 4 बहन भाई थे, 3 बहनें, मैं अकेला भाई था उनका। चलिए, रीमा के जो पापा हैं उनसे बात करेंगे। अंकल जी, तुम डोगरी जी गल करो, कोई नहीं है। रीमा तुसे सुनांदी ही कि के वादा के नहीं है, कभी उन्हें अपने दिल का दर्द उसे बयान किया?
चंगी मंदी करी गल आखनिया आखना उन्हें घर आला आखना ससू ने आखना जरानी आखना बस ओ बाद आई जाना दो साढ़े बढ़ना आनी बढ़ने चार दिन रहना हराना खुशी ने उन्हें किन्नी बारी चीजा हुई दसो मी पहले बेटियां अपने माता पिता की परिजनों की आखदी है कि इसे दुख है इसे परेशानी है उसले तो साथ की नहीं दिंदे। मैं यही सवाल जरूर करना चाहगी समाज के लोगों कने भी जिले अज दुनिया तो चले गई अगर तुसे उस टाइम उदी परेशानी समझे दा अपने को रखे दा समाज की आखेगा समाज ने क्या आखना अंकल जी समाज का की डर है बच्चा अपने घर रहा मैं इसी भी शादी करनी है कुड़ी निकी मेरी बेटी है इसको बड़ी है उसे भी शादी करनी है मैं आखिया चलो समझी जाना अज समझते कल समझते घर जाइए समझा जाइए पछतावा बड़ा पछतावा करना अस पूरा ग्रां की महफल लेई ना ते उंदे घर गए उंदी इयै आवाज आई बार बार कि ओ जी ए कुड़ी दा कसूर है सारा। अच्छा असें आखिया जी कुड़ी दा कसूर है चलो ठीक है तुस साढ़े कोल आनी है चार दिन उसी कुड़ी 15 दिन रहना जिसलै 15 दिन रहना कुड़ी आखना नहीं मैं अपने घर गै जाना। अच्छा फिर ओ चली इंद्रिय बेचारी। अच्छा जिन्ना छोटा हांजी इक बच्ची इक बच्चा जी। अच्छा आपे मतलब आपे ओ पीए शराब जिसलै आना उन्हें अपनी सस दी और अपने ओदी भरजाई दी गल सुननी सुनने बाद उन्हें कोई गलबात नहीं पूछनी। अच्छा जंदे गै जाइए गल मैं फड़िए दे मारो मार कुड़ी बेचारी डरदे सनांदी नहीं है भाई चलो एक दिन उन्हें लाह मेरी कीती थी। अच्छा देखो जी सवाल है चलो ठीक है बच्चे अजकल करदे आए हैं और करने के बावजूद भी फिर भी मतलब उन्हें लास्ट वेले कल जो जम्मू इधर आए न कम से कम तो फर्ज बनता हा माऊ बब्बे की फोन करी सनाना उन्हें बिल्कुल नहीं सनाया। अगे भी हून जिसलै एह् जिसलै आए तां इन्हें शामी फोन कीता वे इ'यां गल्ल होई। अच्छा हून आए दे बड़े बचैरे हून हस्पताल एह् है कि सख्त तो सख्त उस मुड़े की ना सजा ऐसी होनी चाहिए है। बिल्कुल बच्चे जो कुड़ी निकी मैं घर ले आई है 2 साल की कुड़ी है मैं घरों उत्थे चुकी आँदी मुड़ा अगे कन्नै लिया दा मैं उत्थों मुड़ा पुलिस आह्ले कोला लेइया मैं बापे लेइया मैं आखिया मेरे नानी नाना जिसलै भैन कन्नै मरन तो पहले गल हुई कि आखिया कि मेरे को आओ मिलो मेरी आई है किस तरह की नहीं मेरे कन्नै गल नहीं हुई मुड़े ने गल हुई है मेरे कन्नै गल नहीं हुई मैं इस तरह तैयारी की मैं चलो जिसलै तुम उसके घर पहुंचे नहीं मिली नहीं मिली लिया बिल्कुल एक महीने सिर्फ आखा दे मां लभी मुड़ा फरार हुई गया कम से कम भी ठीक है तेरे को ऐसा हादसा हो ही भी गया तू कम से कम खड़ा रहो कोई डर नहीं के बंदा मारदा तुगी चलो जो हादसा हुई है तो हो ही गया। अच्छा लेकिन खड़े रहो हां जी सच्चा हा जो वो चोर है ना तो मतलब चोरी करी उसी मार अंकल जी कार्रवाई चाहते हो किस तरह की ऐसे लोगों ते इसी सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए जी मतलब सारी असेंगी चैन तंग आता है मेरी भांजी हो ठीक है सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए अगर सजा नहीं हुई तो असें नहीं छड़ना उसी अस इत करते आए भाई अं नहीं छड़ना भावे और थाने आने जिन्ने मर्जी बारी उसी आखिर छोड़न उसे 7 साल बाद छोड़ ना कोई डर नहीं सारे भी बच्चे जवान ने ऐसी कोई कहानी नहीं। आज फिर से एक बेटी की जान गई और परिवार वालों का आरोप है कि लगातार ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे पर हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं समाज के डर से समाज क्या कहेगा। हमें समझना होगा अपनी बेटियों के दुख को उनकी परेशानी को पर बेटियां भी चाहती हैं कि मैं अपने घर में एक लगाव होता है महिला को अपने घर के साथ पर आज भी समाज में इस तरह के लोग हैं जो हमारी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठते हैं। रीमा की कोई फोटोग्राफ है आपके पास मोबाइल में बताना जरा रीमा की फोटोग्राफ बताना जरा बता भी दें और जो भी समय में देख रहे हैं रीमा की आप ओम शांति जरूर लिखिएगा सही वाली फोटो बताना अभी ऐसी बच्ची है छोटी ये रीमा की फोटोग्राफ है कितना हंसता खेलता चेहरा है और इसके पीछे का छुपा हुआ गम जिसका आभास हम नहीं लगा सकते ये रीमा ही लगा सकती थी इसके साथ कितना प्रताड़ित इसे किया जाता था कितना अभद्र व्यवहार किया जाता था। सरपंच जी कहाँ पे बताइए सरपंच जी आप आइए बुलाइए सरपंच जी को आइए
जो भी देख रहे हो हम शांति जरूर कहिए। सरपंच जी आपका नाम? दीन मोहम्मद लोहर करना शुक्र। लोहर करना शुक्र। मेरी पिनाइत की जी लड़की है। आपने भी कहा, इन्होंने कहा कि हम मिलके जाते थे, बात करते थे उसे सरवाल वालों से, इस तरह का एक घटना हुई है, क्या कहेंगे आप आज भी बेटियों के साथ इस तरह से व्यवहार? ये तो अजीब ही लगता है जी, जो हुआ है अच्छा नहीं है। हर हम आदमी बेटियों वाला है, बिल्कुल कोई कमी पेशी होती है उसका मसला लोगों में भी, समाज में भी। जैसे हमारे भाई ने बताया कि समाज से डर नहीं है, समाज में भी हल हो सकता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई, छोटी मोटी बात होती थी, बेचारे बर्दाश्त करते थे। तो आज ही नाइट का, कल का ही हमने सुना है कि ये हरसा हो गया है। बाकी पिछली इनका जो पिछला 6-7 साल की मैरिज हुई है, हम भी मैरिज में थे, कोई बात नहीं। लड़कियों का होता है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि लड़की इनके घर चले गई है कि ऐसा तूफान आ गया है। कोई लड़की की बात थी घर में कि आनी, हमने इसके साथ ठीक है मैरिज करवाई है इन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा इशू था तो किसी, हम भी सरप्रस्त थे, हमारे पेंच भी है उधर के, किसी को बता सकते थे मजदूर आदमियों को कि आज कोई कोई प्रॉब्लम है लड़की की तरफ से, कोई नहीं सुना है। लेटेस्ट ही धमाका हो गया, बहुत जुल्म है इसकी। हम यही आपके माध्यम से भी दरख्वास्त करते हैं कि आज ही कसूर वाले को कसूर भुगतना ही चाहिए, बिल्कुल इसका कोई भी हम तर्स फर्स नहीं करेंगे। आज ही इसको ये हुआ है वो हुआ है, कसूर वाले ने कसूर भुगतना चाहिए जिस जिसके हिस्से में ये बात है। बिल्कुल। तो आज इसका बेचारी का जो दुनिया का रिश्ते रवाज है वो प्लीज़ आपके मकदम से इनको जो मेडिकल के बाद में करेंगे जो होता है वो क्या कर सकते हैं। चलिए, किस परिस्थितियों में रीमा की जान गई है ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारा ऑफ कैमरा जो वहाँ के SHO हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि लड़की की जो सास और उनके पति है उन्हें फिलहाल डिटेन किया हुआ है और 174 की जो है वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। क्या सामने निकल कर आता, क्या तथ्य निकल कर आते हैं ये फिलहाल जाँच का विषय रहेगा। पर एक ज़रूर कहेंगे, एक परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी वो माँ थी, और एक परिवार के लिए जिनकी वो बच्ची थी, उस भाई के लिए जिसकी वो बहन थी, उस बहन के लिए जिसकी वो बहन थी, उनके लिए एक दुखद घड़ी है, दुखद समाचार है यहाँ के स्थानीय लोगों का जो आज गम में डूबा हुआ है। क्योंकि आज भी जिस समाज में हम 21वीं सदी में हैं, पर आज भी समाज में बेटियों के साथ इस तरह की चीज़ें हों, हम बार बार कहते हैं सोच बदलिएगा तभी देश बदलेगा। आखिर कब तक इसी तरह से बेटियों की बलि लगती रहेगी? सामने आना होगा, मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और हम उम्मीद करते हैं जो विश्व प्रताप हैं, एक बड़ी काबिल ऑफिसर हैं, वो ज़रूर इसकी गहराई, इस केस की गहराई तक जाएंगे। अगर वाकई रीमा की मौत के पीछे ससुराल वालों का हाथ है तो उन्हें ज़रूर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें कानूनी दायरे में लाना चाहिए। ये नहीं बल्कि आने वाले समय में कोई भी अगर उनकी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो माता पिता को, उनके परिजनों को ज़रूर अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन बेटियों को खो देंगे। ओम शांति जरूर लिखिए, हम यही प्रार्थना करेंगे रीमा की आत्मा को शांति मिले और इसके परिवार को इस गम से लड़ने की ताकत मिले और उन बच्चों को इस गम से उभारे। जुड़े रियासी हमारे साथ तकले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।